देखो, अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है और आपको एक अच्छी एसयूवी कार लेनी है जिसका एक्सटीरियर लुक काफी हद तक कमाल का हो, जिसका रोड प्रेजेंस जबरदस्त हो, इंटीरियर में अच्छे खासे फीचर्स मिले, इंजन का परफॉर्मेंस तगड़ा हो और माइलेज भी अच्छा खासा हो, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 बेस्ट एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 2021 में। इसके अलावा इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। जो 5th नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में, वो है महिंद्रा की थार। इसका जो एक्सटीरियर लुक है और इसका जो रोड प्रेजेंस है काफी हद तक मस्त है, मतलब रोड पर जब भी आप इसको देखोगे तो ये काफी हद तक कमाल की दिखने वाली है। पर्सनली महिंद्रा थार का मुझे रेड कलर कॉम्बिनेशन विद हार्ड ब्लैक टॉप के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके इंटीरियर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं पहले के मुकाबले, मतलब पहले मॉडल के अंदर इतने ज्यादा फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते थे, लेकिन जो 2021 का मॉडल है 2021 के मॉडल के इंटीरियर में काफी बढ़िया फीचर्स ऑफर करे गए हैं। इसके अलावा न्यू थार के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन, इसके अलावा एक डीजल इंजन मिलेगा और महिंद्रा थार लगभग 15 KMPL से लेकर 16 KMPL का माइलेज दे देती है आराम से। थार की कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट होती है 12.78 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल लगभग 15.08 लाख रुपीज तक चला जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज वाली बात यह है कि महिंद्रा थार का वेटिंग पीरियड है लगभग 1 साल का, तो आपको लगभग 1 साल का वेट करना पड़ेगा इसकी डिलीवरी लेने के लिए। अगर लकीली आपके नियर बाई डीलर के पास थार अवेलेबल होती है तो जरूर आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। थार के अलावा आगे और ट्विस्ट आने वाले हैं, वो आप बिल्कुल भी मिस आउट मत कर देना। जो 4th नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। हालांकि इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, इसलिए इस कार को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर लुक रहने वाला है ये कम्प्लीटली न्यू रहेगा और इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि XUV700 के अंदर महिंद्रा कंपनी ने बहुत ही कमाल के फीचर्स ऑफर करे हुए हैं, सिमिलरली आपको न्यू स्कॉर्पियो के अंदर काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसका एक्सटीरियर भी कम्प्लीटली न्यू रहने वाला है और इसका इंटीरियर भी कम्प्लीटली न्यू रहने वाला है। और नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को लाइक अगले 1-2 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। वही अगर मैं करंट स्कॉर्पियो की बात करूं तो इसको भी इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कंपनी ने इसके अंदर एक डीजल इंजन दिया हुआ है जो कि है लगभग एमहॉक का डीजल इंजन जो कि लगभग 14 KMPL का माइलेज दे देता है। और करंट जो मॉडल है स्कॉर्पियो का उसकी कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट होती है 12.49 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 17.14 लाख रुपीज तक चला जाता है। अगर आप स्कॉर्पियो लेने की सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको न्यू स्कॉर्पियो के लिए रुकना चाहिए क्योंकि अगले 1-2 महीने के अंदर इसको इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और बहुत ही बढ़िया फीचर के साथ न्यू स्कॉर्पियो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वही जो 3rd नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं वो है टाटा की हैरियर। पर्सनली मुझे टाटा हैरियर का रेड कलर और ब्लैक कलर वाला ड्यूल टोन वाला मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा इसका डार्क एडिशन दिखने में काफी तक कमाल का है। इन दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ टाटा की हैरियर का जो रोड प्रेजेंस है नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। इसका फ्रंट फीशा भी दिखने में काफी तक मस्कुलर और जबरदस्त लगता है, इसके अलावा रियर से भी ये काफी तक बढ़िया लगती है। टाटा हैरियर के इंटीरियर में अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे गए हैं, हालांकि एडवांस लेवल के फीचर्स इससे मिस आउट है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं वो सभी फीचर्स आपको टाटा हैरियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कंपनी ने इसके अंदर एक डीजल इंजन दिया हुआ है जो कि लगभग 15 KMPL से लेकर 16 KMPL का माइलेज दे देता है, और टाटा हैरियर की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 14.39 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल 21.09 लाख रुपीज तक चला जाता है। अगर आपका बजट 15 लाख के ऊपर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप टाटा हैरियर के साथ जा सकते हैं। वही जो 2nd नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वो है महिंद्रा की XUV700। इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफी हद तक कमाल का है, इसके इंटीरियर में बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स ऑफर करे गए हैं, इसका इंटीरियर भी काफी हद तक जबरदस्त है। हालांकि कंपनी ने इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिया हुआ है, और XUV700 लगभग 14 KMPL से लेकर 16 KMPL का माइलेज दे देती है। XUV700 की कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट होती है 12.49 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, इसका टॉप मॉडल लगभग 23 लाख रुपए तक चला जाता है। ट्विस्ट की मैंने बात करी थी वो है इसका वेटिंग पीरियड। हालांकि XUV700 के ऊपर 9 मंथ से लेकर 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर आप इसको आज बुक करते हो अगले 1 साल के बाद इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, तो इसका जो वेटिंग पीरियड है काफी ज्यादा है। हालांकि क्रेटा सेल्टोस का भी वेटिंग पीरियड उतना ही है, लेकिन जो नंबर 1 पोजीशन पर कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं वो है MG की एस्टर। हालांकि इसको फर्स्ट पोजीशन पर मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसके बेस मॉडल के अंदर बहुत सारे कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं जो कि आपको किसी और कार के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे।
जैसे कि टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया, इसके अलावा फुल एलईडी हेडलाइट का सेटअप हो गया और अच्छे खासे फीचर्स आपको एमजी एस्टर के बेस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके बेस मॉडल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके लुक की बात करूँ तो इसका फ्रंट फीशा, इसका साइड का प्रोफाइल और रियर का प्रोफाइल दिखने में काफ़ी हद तक अच्छा खासा है। इसके अलावा इसका इंटीरियर काफ़ी हद तक प्रीमियम है। इसके बेस मॉडल के अंदर भी आपको प्रीमियम लेदर देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो MG Aster के अंदर दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस ऑफर करे गए हैं और ये लगभग 12 KMPL का माइलेज दे देती है। हालांकि इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 9.78 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक्सट्रीम प्राइस इसका टॉप मॉडल 17.38 लाख रुपीज तक चला जाता है। तो यहाँ पर ये 5 कारें थी। अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 15-16 लाख के बीच में है तो ये 5 कारें आप कंसिडर कर सकते हैं। इनमें से कुछ कारें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहली रहेगी MG Aster, इसकी डिलीवरी शायद आपको थोड़ी सी जल्दी मिल सकती है। दूसरे नंबर पर आती है टाटा की हैरियर, इसकी भी डिलीवरी आपको थोड़ी सी जल्दी मिल सकती है। और 3 नंबर पर है XUV700, क्योंकि XUV700 के लिए आपको लगभग 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो वेटिंग पीरियड है वो काफी हद तक लंबा है। तो यहाँ पर ये 5 SUV कारें आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 15-16 लाख के बीच में है। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था और कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।